सबसे पहले पहले ये कहना चाहता हूँ कि मुझ पर जो कुछ हुआ वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को दोषी नहीं ठहराता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल मुझे उसके बाद 24/7 किसी को भी सुरक्षा नहीं दी जा सकती है, सबसे पहली बात। और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी ने जो एक रुख अपनाया है वो बहुत ही स्तुत्य है, मैं इसको वेलकम करता हूँ। मैं इसके लिए बीजेपी को या सरकार को दोषी नहीं ठहराता हूँ, लेकिन मैं बीजेपी से यह अपेक्षा करता हूँ कि वो खुलकर बोले कि कोई भी कानून अपने हाथ में न ले, और जहाँ तक पाकिस्तान के साथ संवाद की बात है, यानी हमारे बीच कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम ऐसा दीवार तो नहीं खड़ा कर सकते कि वहां का कोई यहां ना आए, यहां का कोई वहां ना आए। और इसलिए मोदी जी और फडणवीस जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी से मैं अपील करना चाहता हूं कि वो कहे कि जनता के बीच यानी पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो बढ़ाने की बात है, जो रशिया में नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी जी के ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी है, उससे हम बिल्कुल प्रतिबद्ध है और हम सबको आजादी देंगे। सुधेंद्र जी एक मिनट सुधेंद्र जी, इधर उधर की बात ना कीजिए, बहुत साफ तौर पे बताइए। आप एक प्रोग्राम कराना चाहते थे, आप सीएम से मिले, आपने पुलिस कमिश्नर से सुरक्षा मांगी थी कालिक पुतने से पहले या नहीं मांगी थी? कार्यक्रम के लिए हमने सुरक्षा मांगी थी और कार्यक्रम के लिए सुरक्षा उन्होंने दे दी, मैंने मेरे लिए सुरक्षा नहीं मांगी थी। एक मिनट, जब कालिक आप पे पुत गए आपने क्या किया? तो मैं मेरे ऑफिस जाकर सब आपके जो मीडिया वाले हैं उनको दिखाया। आपने FIR दर्ज कराई तुरंत? देखिए ये जो हुआ FIR दर्ज करने की जरूरत भी नहीं थी और मैं करने वाला क्यों नहीं किया FIR दर्ज? देखिए ये नहीं, फिर दिक्कत है। ये पूरे देश ने दुनिया ने इसकी निंदा की है। इसका दो मतलब है, देश देख ले, दुनिया देख ले, या कानून अपना काम करे। कानून अपना काम करे, ये तो कानून जिसके हाथ में है उनका काम है, उनका सरकार का काम है। FIR दर्ज क्यों नहीं हुई तुरंत? नहीं, ये आप इनसे पूछिए, हम इसीलिए आपसे पूछना चाहते हैं। शिवसेना और बीजेपी में आप अलग अलग देख रहे हैं या महाराष्ट्र की सरकार को आप एक साथ देख रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए सवाल ये था कि महाराष्ट्र सरकार ने मुझे सुरक्षा क्यों नहीं दी। इसका जवाब मैंने दिया कि 24/7 किसी को भी कहीं भी सुरक्षा नहीं दी जा सकती है और मैंने सुरक्षा मांगी नहीं थी। कम से कम जब तक बुक रिलीज नहीं होता तब तक तो देना पड़ेगा। जब तक आप बीजेपी का नाम नहीं लेंगे प्रसून जी आपको छोड़ेंगे नहीं। एक मिनट, ऐसा आप और सवाल पूछ रहे हैं? एक मिनट भाई, जनता के भीतर कानून व्यवस्था का प्रश्न, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, बीजेपी का नाम नहीं, जवाब देने के बाद भी आप ऐसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आप लोडेड पूछ रहे हैं? महाराष्ट्र आप बोलना चाहते हैं? हम बोलने के लिए मौका दे रहे हैं, लेकिन हमारा एक ही सवाल है मुंडे जी, आप सारी चीजों से एक ही सवाल आ रहा है। सवाल पे आता हूँ, गवर्नेंस है या नहीं? आपके सवाल पे आता हूँ, मुझे इनसे कुछ पूछना है। आपके सवाल पे आता हूँ, आपके आपका जो सवाल है जी, अगर कुलकर्णी जी ने राज्य के मुख्यमंत्री को खुद मिलके प्रोग्राम के लिए संरक्षण मांगा था, उसके बावजूद उनके मुंह पे कालिक पूछी, वो शिवसेना ने पूछी। शिवसेना एक तरफ मराठी का मुद्दा बनाती है, महाराष्ट्र का मुद्दा बनाती है, विरोध करती है पाकिस्तान के किसी भी कलाकार को मुंबई आने के लिए, चाहे फिर देश में आने के लिए। कालिक पहुंचती है महाराष्ट्रीयन आदमी के ऊपर, विरोध करती है, प्रोग्राम होने दिया। ये दोनों का ये विषय अलग है। इन्होंने संरक्षण मांगा, उसके बावजूद जिसने प्रोग्राम लिया उनका भी संरक्षण होना। आज ये ठीक है, ये मुख्यमंत्री का वो सल्यूट करते हैं, वो मानते हैं, लेकिन ये राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री का फेल्यूर है कि जिसने प्रोग्राम लिया। अगर मुझे किसी चीज का संरक्षण चाहिए, सबसे राज्य का मुखिया कौन है? राज्य का मुख्यमंत्री। अगर वो मुझे कहते हैं कि डोंट वरी, मैं आपका संरक्षण करता हूं, तो पूरा राज्य मेरे पीछे खड़ा होता है। और इनके पीछे क्या हुआ, दोपहर में शाही पहुंच दी और बाद में शिवसेना ने भी सही तरीके से प्रोग्राम होने दिया। ये क्या तरीका होने दिया? आपने कराया क्या? होने दिया ये होने दिया क्या? आपने कराया, बहुत अच्छी बात है कि आपने किया, आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन एक तरफ महाराष्ट्र के एक कुलकर्णी साहब के जैसे ज्येष्ठ विचारधारा व्यक्ति के ऊपर आप कालिक पहुंचते हो क्यों? तो उन्होंने पाकिस्तान के एक्स
परराष्ट्र मंत्री के लिखित एक किताब का अनावरण करने के लिए, और वो प्रोग्राम होने देते हो। ये जो दो राजनीति है, दो तरफा जिसको कहते हैं, ये दोनों की फिक्सिंग है। आप शाही भेगो, प्रोग्राम हम होने देंगे। मुख्यमंत्री जब कहते हैं कि मैं आपको संरक्षण देता हूं, तो इनके साथ उस प्रोग्राम का भी संरक्षण होना चाहिए था। ये गवर्नमेंट का फेल्यूर है। आज ये इन्होंने माना, नहीं माना तो भी ये फेल्यूर है, और ये सही है, ये हकीकत है। जी राव, मुझे पूछना है कुछ। सुधीन्द्र जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त है, बहुत सालों के दोस्त है, और एज ए जर्नलिस्ट और एज ए शिवसैनिक, एज जर्नलिस्ट मैं, हम दोनों एक साथ काम कर चुके हैं। मुझे सिर्फ इतना पूछना है, अगर हम सबको शिवसेना, हम सबको ही नहीं बैठे हुए उसको इतना शिवसेना से नफरत है, और वो भी सुधीन्द्र जी भी भाजपा के ऋण व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अच्छे काम किया है। मुझे ये कहना है कि अगर इतना आपको शिवसेना पे को बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो कार्यक्रम के पहले रात सुधीन्द्र जी खुद जाके, आपने मातोश्री बंगले पे जाके आपने उद्धव जी ठाकरे से क्या मुलाकात की? क्या आपने संरक्षण नहीं मांगा था उद्धव जी ठाकरे से? बिल्कुल नहीं। तो आप क्या, उद्धव जी ठाकरे कौन होते हैं मुझे संरक्षण देने वाले? तो आप क्यों उनको मिलने गए थे? वो तो आपको मिलने नहीं आए थे, वो आपको मिलने नहीं आए थे, आप ही उनको मिलने गए थे? मिलने गए थे सुरक्षा के लिए नहीं, उन्हें अपनी बात समझाने के लिए और उनकी बात समझने के लिए। क्योंकि मैंने ये भी कहा, उद्धव जी से कहा, हम पाकिस्तानियों से संवाद करना चाहते हैं, तो आप तो भारतीय हैं, भारतीय बंधु हैं, हम आपके साथ भी संवाद करेंगे। हमने उनको ये कहा कि विरोध करने का हक आपको है और प्रोग्राम करने का हक हमारा है। तो क्या आप उनको कन्विंस करने में फेल हो गए? वो तो फेल क्या हो? एक कुछ तो है फेल, आपने सुरक्षा मांगी और वो नहीं मिली, या आप उनको कन्विंस करने गए थे, या और आप कन्विंस नहीं कर पाए उनको? क्या कुछ उसमें सत्य क्या? भरत कुमार जी, वो यदि मेरी बात नहीं मानते तो उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन सैनिक जब कानून अपने हाथ में लेते हैं, और जो भी उन्होंने किया उसका बाद में उद्धव जी ठाकरे स्वयं उनका सत्कार करते हैं, और विजयादशमी के उनके रैली में वो कहते हैं कि वो पुस्तक में स्याही थी, और स्याही का जवाब हमने स्याही से दिया। यानी ये महाराष्ट्र, ये तर्क तीर्थान सब महाराष्ट्र है, इसका तर्क वितर्क ये इसे चालेल का, ऐसा तुम्हें जवाब दिया जी? आप वो फैक्टो जो हुआ वो बोल रहे हैं, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा था, क्या आपने उद्धव जी से दरखास्त नहीं की कि मेरा ये प्रोग्राम होने दो?